नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV। मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। मनचाही शादी करने के एक अचूक उपाय को मैं आपको अपने चैनल GHTV के माध्यम से एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं। यदि आप मनचाही स्त्री से मनचाही शादी करना चाहें, या आपकी शादी विवाह नहीं हो रहा है और आप शादी करना चाहें, आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं वो रिश्ता टूट जाता है, आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं करता, या आज पसंद कर रहा है कुछ दिनों के बाद वो आपको छोड़ देता है और शादी कैंसिल हो जाती है, अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो आप हमारा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। बस एक मोर पंख की आवश्यकता है और मोर पंख द्वारा आप मनचाही शादी कर सकते हैं और मनचाही स्त्री से भी शादी कर सकते हैं। आप जिससे चाहते हैं आप उससे विवाह कर सकते हैं। ये बहुत आसान उपाय होगा। बस छोटा सा ये उपाय है, मोर पंख की आवश्यकता है, और आप ये उपाय करते ही कुछ दिनों के बाद ये देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत सी स्त्री आएगी, या बहुत ही खूबसूरत सा कोई पुरुष आएगा। यदि आप स्त्री हैं और आप शादी विवाह करना चाहती हैं और आपकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी आप कर सकती हैं मेरी प्यारी बहन। यदि आपकी शादी बार बार लगती है, कहीं से टूट जाती है, तो भी आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। या आप किसी को पसंद करती हैं और पसंद करने के बाद वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, विवाह शादी तक ये बात नहीं जा पा रही है, तो आप ये उपाय शादी करने के लिए कर सकते हैं। शादी करना बहुत अच्छी बात होती है, घर बसाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छा रिश्ता पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका मन अंदर से करता है कि यह व्यक्ति आपको जन्म भर के लिए खुश रख सकता है, उस इंसान से शादी करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसा रिश्ता आप ही ढूंढ सकते हो और कोई नहीं। तो हम आपको जो विवाह और शादी करने का एक तरीका बता रहे हैं, उसमें आपको बस एक मोर पंख की आवश्यकता है, और इस मोर पंख को ऐसी जगह पर रखना है, आपको कुछ छोटा सा उपाय करना है, फिर ये कभी भी वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा और विवाह शादी कुछ ही दिनों में उनके साथ आपकी हो जाएगी। जब विवाह और शादी आपका उनके साथ हो जाए, आप इस मोर पंख के बराबर जितना मोर पंख का वज़न होगा, जितना भी मोर पंख का वज़न होता है, तराजू में तोल लीजिएगा, उतना आपको पीतल दान करना होगा। ध्यान रखिएगा, मोर पंख का वज़न बराबर आपको पीतल दान करना होगा जब आप कभी विवाह और शादी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, पीतल मिल जाए तो पीतल, तांबा मिल जाए तो तांबा, बहुत धनवान हैं आप तो सोना, और अगर आप और कुछ करना चाहें तो चांदी, जैसी चीज़ों को आपको उसके बराबर तोल करके दान करना होता है, और ये दान वहीं करना होगा जहां आपको सही लगे। तो चलिए, मैं आपको ये वशकरण का एक बहुत आसान तरीका है किसी को वश में करके उससे विवाह और शादी करना। तो आपको मोर पंख लेना है, एक मोर पंख जो पूरी तरीके से साफ हो और उसमें कोई भी दाग धब्बे ना लगे हों, और मोर पंख पूरा होना चाहिए। कहीं कहीं पे टूटे और कटे पिटे भी होते हैं, तो पूरा होना चाहिए। आप मोर पंख को अच्छे से साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद आपको बस छोटा सा ये उपाय करना है जो मैं बता रहा हूँ। आपको 2100 मरतबे हाम यूम और उसका नाम इतना बोलना है, हाम यूम उसका नाम, ऐसा आपको 2100 मरतबे बोलना है, और बोलने के बाद मोर पंख पर फूंक दीजिए। अब उस इंसान का नाम लिख दीजिए कॉपी के ऊपर, जिससे आप विवाह और शादी करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए, मोर पंख वहीं पर रख दीजिए, ऊपर से कॉपी बंद कर दीजिए। अब उसके ऊपर आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, इतना आपको करना है। जैसे ही आप ये करेंगे और ये मंत्र उच्चारण करेंगे, ये तुरंत आपका विवाह और शादी ईश्वर की तरफ से हो जाएगा, और आपका विवाह शादी उस इंसान से होना ही है 100%। अब आप ये उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकती हैं, या कर सकते हैं जब आपको लगे तब आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय करने से पहले हमारे चैनल GHTV को आपको सब्सक्राइब करना है। बिना सब्सक्राइब किए इस उपाय को कोई भी ना करे, और बिना वीडियो को लाइक किए हुए भी कोई भी ना करे। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल GHTV को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। इतना करेंगे तो आपको आज्ञा मिलेगी, और दान करने के लिए आप जहाँ भी चाहें वहाँ